ये देख लो पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये गर्म है। हाँ बस गर्म, मगर आसमान से शफाफ ठीक। यार ये सच्ची में ऐसी वादी है ना, यहाँ पे मस्जिद है जो पूरी लकड़ी की बनी हुई है। चेक कर लो जगह कैसी है। तो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी देख लो आज का वीडियो, वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओहो नज़ारा देखो यार, आज ना वीडियो एक प्यारे से गांव में स्टार्ट हो रहा है। तो ये चेक कर लो गांव कैसा है। तो रात को हम यहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचे थे और हम रात को ये जगह अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, रात को ना काफ़ी ज़्यादा हम थक गए थे। लेकिन एक बात हमने एक्सपीरियंस की यार कि मज़ा बहुत आ गया, और बारिश से भी हालत ख़राब हो रखी थी। तो बाकी अभी देखते हैं कि इस विलेज को भी अच्छे से हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आसिफ भाई इस विलेज का क्या नाम है? मंगिल, मंगिल नाम है इस विलेज का, ठीक है। तो बाकी देख लो विलेज कितनी प्यारी है यार, ये देख लो यार सामने एक प्यारा सा पहाड़ है। ओह मतलब चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीच में ना एक दरिया है, और दरिया के साथ एक कुछ विलेज है। तो उन्हीं विलेज में हम एक विलेज में हैं। तो अब यहाँ से आज का सफ़र देखते हैं, आज की कहानी कैसी रहेगी। तो आज देखते हैं, पहले ये चेक कर लो यहाँ पे जितने भी मकान बने हुए हैं ना पूरे लकड़ी के बने हुए हैं। आपको मेनली यहाँ पर ब्रिक्स वाले मकान नहीं मिलेंगे, यहाँ पर जितने भी मकान हैं ना सारे लकड़ी के बने हुए हैं। अब देखते हैं आसिफ भाई कहाँ लेके जाएगा आज। यहाँ पे मस्जिद है ये जो पूरी लकड़ी की बनी हुई है। कल फ्राइडे है, कल इंशाल्लाह हम यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। बाकी देख लो गांव कितना प्यारा है, ये देख लो छत कैसे बने हुए हैं यहाँ पे लकड़ी के। अच्छा बिलाल साहब दीवा इजाज़त, रात को यार बिलाल भाई के पास है। अभी आसिफ और मैं जाएँगे जहाँ पर तत्ता पानी कहते हैं ना, उसका एक साइड है जो कि रामन साइड से जाते हैं, और एक साइड इधर से है। अच्छा लेकिन एक बात जब मैं कहूँगा कि ये जगह ना पहलगाम से भी ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि रास्ते में आपका एडवेंचर भी हो रहा है, आप एंजॉय भी कर रहे हो, और सबसे ज़बरदस्त बात इधर की ब्यूटी अलग है। ये तो हम एक प्यारे से गांव में आए थे, वो भी अभी मैंने आपको गाँव अच्छे से दिखाया ही नहीं। लेकिन ये चेक कर लो यार, ये सच्ची में ऐसी वादी है ना, ये तो मतलब ऐसा मैं बोलूँगा कि इस वादी में चलने का एक अलग ही मज़ा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा होगा। थोड़ा सा अगर ये डेवलप्ड होता ना तो खुद देख लो यार ये विलेज कैसा लगता है, कि ये विलेज कैसी है। तो ट्रैवलर्स के लिए ये जगह बहुत बढ़िया है। अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा इंशाल्लाह तब हम काफ़ी सारे बंदे आएंगे। हाँ भाई ये रोड मरवा जाता है, कितना दूर है यहाँ से? बड़ा दूर है। अब देखते हैं कितना दूर होगा। बाकी यहाँ से तो अभी कोई विलेज भी नहीं है, ना कोई गांव है यहाँ से ना कुछ। देख लो ये दरिया है, लेकिन मुझे दरिया का नाम नहीं पता है। ये देख लो ये शायद कोई पुराना पुल था जो कि डैमेज हो चुका है। ये क्या सिस्टम है? देखे, देखे, देखे। ये देख लो पुल पूरा डैमेज हो चुका है यार, ये शायद लकड़ी का पुल था। उसके बाद दूसरा भी बनाया है, ये भी ख़त्म है। ओहो क्या नज़ारा है यार यहाँ पे। अभी यार समझ भी नहीं आ रहा है कि कितना दूर है, ऊपर से रोड भी ठीक नहीं है, रोड पूरा ख़राब है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड।
Watch out, girls, pull out! Marwaji, ya, Buiri? Buiri, kisah Marwaji? Buiri, juna, Pahi? देख लो यहाँ से रोड कैसा है, यहाँ से जाना पड़ेगा। पूरा स्पीड हो रहा है भाई, ऐसे खड़े होके ना बाइक ठीक चलती है। यहाँ से तो लग रहा है कि अभी है भी नहीं शायद रोड। इस रोड पर खेंच के इस पर चलो, पैदल सफर है, पैदल वाक में ये कुछ चीज़ें उठाई हमने कोल्ड ड्रिंक यहाँ से। ये देख लो यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, ये देख लो इनके पास हमने स्टॉक लिया है, चलेंगे यहाँ पे। तो अब जिस हम विलेज में एंटर कर चुके हैं, ये लास्ट विलेज है। तो ये जो विलेज है ये सारा एरिया पड़ता है कश्तवाड़ के साथ। तो अभी यहाँ से देख लो मकानात कैसे है। तो अब हम यहाँ से जहाँ जाएंगे तो वहाँ कहते हैं तता पानी, पता नहीं मैंने सुना है कुछ वहाँ पे गर्म पानी होता है। तो वो चीज़ें भी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पे। लेकिन हमें क्या करना है अभी, हमें अभी यहाँ से ट्रैक होगा पैदल स्टार्ट। तो जो ट्रैक है वो कम से कम एक घंटे का ट्रैक है। तो अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा वहाँ तक। यहाँ से और एक एंट्री करनी पड़ती है, शायद ये लास्ट एंट्री होती है। अब यहाँ से कम 20 मिनट का रास्ता है। देखो रास्ता कैसे है, तो ये चेक कर लो हम कहाँ पहुँचे हैं अभी। यहाँ पे रेस्ट होगा हमारा। तो बाकी अब जाके हम यहाँ पे पहुँचे, यहीं पे वो नहाते हैं। मैंने भी सुना है अपने जो भी बड़े हैं जो मतलब यहाँ पे आए हैं, तो एग्जैक्टली मतलब जो मुझे लोकेशन पता चली ना दादू से, दादू ने मुझे इस चीज़ जगह के बारे में बोला कि मैं 2013 में यहाँ आया था। तो ये चेक कर लो, अभी बस रेस्ट होगा कुछ देर के लिए और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये चेक कर लो, ये भाई लोग यहाँ पे यहीं पे इन्होंने कैंप लगाया है। तो चेक कर लो जगह कैसी है, ये देख लो यार पानी का फ्लो कितना खतरनाक है। अब बस हम भी नहाएंगे और यहाँ से बस हम वापस चलेंगे घर। ये देख लो यार कैंप की जगह पर लगाया है। पूरा हाइट पे लगाया है यहाँ पे, ये देख लो पानी कहाँ से आ रहा है। लेकिन ये गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये पानी। आशिफ ये बिजी पड़ गर्म है ना, गर्म खुदा कसम इतना गर्म हो, ये गर्म पानी है यार बहुत। एक यार सच में ये गर्म पानी है, यहाँ पे नहाते होंगे। ये देख लो पानी का फ्लो कितना खतरनाक है। ओहो तो बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना गर्म हो गए। तो क्या है अल्लाह की कुदरत, माशाल्लाह देखो ना पहाड़ के नीचे से गर्म पानी निकल रहा है। बैठेंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये गर्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्म है यार, मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। आसिफ भाई आप ट्राई कर लो। ओ मैं नहीं बैठ पाऊंगा कसम से। नाइस वाटर ग्रुप।
ये हो गया कैमरा का वाटर टेस्ट, वो भी गर्म पानी में। ते कुदा टाइम मस्ट गो यू ओडी वन अशाल गया त्रावेरी तो क्या बात हो गई यू ओडी असल 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 ठीक ना गर्म आप चीज वायरे आस गर्म आप कोई चीज कोई चीज तो कोई तेल चुवा मित आज मेरा शेम चार शेम चार तो क्या बात हो गई थी बड़ नचीज बेहतर ना ज्यादा कशीर बराबर को ये कशीर बड़ असल शफा क्या मतलब अत आप इस मुतेरे कोई नहीं तेरी आप इस गर्म मगर आत्मा से शफा रबल आलमीन से यहाँ से कदरत बड़ तेज आत्मा शफा थोमुत मील हाथ जहत कड़ित वादन तो ये बन शफा यह गि अगर तरह कोटल जिन जालो आब त्रक जिन गर्मन अहन यह आज कदरत दरियावन जो लोग यहाँ पे नहाने के लिए आए थे दूर से तो आप लोगों ने मतलब मैं यहाँ पे पता चला है कि इससे क्या होता है कि इन लोगों का ये बिलीव है कि अगर मतलब जैसे कि जोड़ों का दर्द होता है और बाकी जो चीज़ें होती है तो उस चीज़ से इधर फर्क हो जाता है ठीक है। लेकिन बाकी अगर कोई जानता होगा इस जगह के बारे में तो ये क्या मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो अगर हम फिजिक्स से देखें तो है तो ये अल्लाह ताला ताला की कुदरत है। तो बाकी जो भी जगह के बारे में जानता होगा तो वो ज़रूर कमेंट करके बोलना। तो अभी नमाज के लिए हम नमाज यहाँ पे पढ़ेंगे, तो ये मस्जिद शरीफ है छोटी सी, तो यहीं पे हम नमाज पढ़ेंगे भाई। यार ये लकड़ी का पुल है यार, देख लो ये हिल भी रहा है, ये देख लो बंदा अगर यहाँ से गिर जाएगा ना पानी का फ्लो चेक कर लो। अभी वापस चलेंगे घर। ये देख लो भीड़ कितनी है यहाँ पे, देखो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हो। तो यहाँ पे ना आके एक चीज़ मेरे को अब समझ आई यार, अब ये ताता पानी मतलब जो भी है लेकिन इनके लिए एक तो ये एक जरिया बन चुका है काफ़ी सारे लोगों के रोज़गार के लिए। तो देख लो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, एक तो ट्रांसपोर्ट के लिए, तो बाकी मैं यही बात बोलूँगा कि एक डेवलपमेंट हो रही है, रोज़गार बन चुका है काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे। अब बस यहाँ से वापस घर चलेंगे, उसके बाद देखेंगे ठीक है। मूवीज़ में यही सीन होता है ना, जब ब्रिज टूट जाता है एक्टर ऐसे करता है, ओ बचाओ बचाओ टूट गया ओए। एक्टिंग है। तो यहाँ पे हमें मैकेनिक की शॉप मिली है, यहाँ पे हम हवा भराएंगे बाइक में, मुझे लग रहा है हवा कम है। तो व्यू चेक कर लो राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, ये देखो। अब खाएंगे कुछ, क्या करेंगे अब, भूख लगी है। चलो